हाय फ्रेंड्स, माइसेल्फ सिवर, आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवर नंबर वन देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक एवं कमेंट करें। तो आइए, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम टीम 11 डाउनलोड किया है तो वो मेरा इन्वाइट कोड डाल दें। इन्वाइट कोड डालने से उन्हें 100 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। तो मेरा इन्वाइट कोड है SHIBE751HI, तो ये इन्वाइट कोड ज़रूर डाल दें। आइए अब बात करते हैं हम टीम की, तो जो बेंगलोर हैदराबाद वर्सेस मुंबई का जो मैच होगा वो कौन सी टीमें आपकी होनी चाहिए, मैं आपको उस पर प्रिडिक्शन दूँगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको टीमें बता दूँ। जो देखिए मेगा अकाउंट है, जो 40 रुपये एंट्री फीस है, आप यदि फिर वहाँ से लेते हैं मेरे इनवाइट कोड से तो आपको 100 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और 2 करोड़ के इसकी टोटल विनिंग अमाउंट है। तो आइए मैं आपको प्रिडिक्शन दूँ कि आपके टॉप 11 प्लेयर्स आपके कौन से होंगे। तो ये देखिए मैच हैदराबाद और मुंबई का जो IPL का मैच 7th मैच होगा, तो उनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर्स होंगे। उसके पहले मैं आपको वेन्यू दिखा दूँ। रॉयल ने 125 रन चेस किए विद डाउन इस, और इस पिच का जो हाई स्कोरिंग मैच 180+ है। तो इस पे स्पिनर विच वॉन्स नॉट कैश विद द प्रीवियस एडिशन, तो यहाँ स्पिनर ज़्यादा मददगार पिच नहीं है। तो ये देखिए प्रीव्यू आपको दिखा दे, सीजन अजय राजस्थान रॉयल्स पे जो मिस्ट्री मुंबई इंडियंस का है, तो सिद्धार्थ कौल जो लीड बॉलर हैं मुंबई इंडियंस के, उन्होंने 17 रन 2 विकेट लिए हैं। और स्पिनर की बात करें तो 23 रन देखे 1 विकेट, और शकीब और हसन 23 रन देखे 2 विकेट ये हैदराबाद से। तो भुवनेश्वर कुमार और ये जरूर रहेंगे इस पे बॉलिंग साइड के मोस्ट। तो आइए बात करते हैं अब आपके हेड टू हेड की। तो दोनों के बीच 10 मैच हुए हैं और 50-50 का रहा है। 5 मैच सनराइजर्स ने और 5 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। और लास्ट मैच प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं होने की उम्मीद है जहां तक इस पे बताया गया है। ये विकेट कीपर के तौर पे आपको विद्यमान साह, शिखर धवन, केन विलियमसन, कैप्टन मनीष पांड्या, दीपक हुंडा, यूसुफ पठान, शकीब हसन, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, बिली और सिद्धार्थ कौल रहेंगे। और प्रोबल चेंज जो फॉर दिस मैच होंगे वो नॉन रहेंगे। सनराइजर्स के डोमिनेट मैच होंगे, विलियमसन विल लाइकली स्टिल सेम प्लेइंग 11, तो अपनी प्लेइंग 11 को वही रखेंगे जो इसके पहले मैच में रखा था पिछले मैच में। और मुंबई इंडियंस भी कोई भी चेंज ना करेगी, एविन एविन लेविस के साथ ओपनिंग करने उतरेंगे, रोहित शर्मा कैप्टन और ईशान किशन विकेट कीपर रहेंगे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुमार पांड्या ये आपके ऑलराउंडर, किरण कोलार, मैंक मिथल और मुस्तफिर और जसप्रीत बुमराह ये आपके बॉलर रहेंगे। और प्रोबल चेंज की बात करें तो रोहित शर्मा भी एक्सपेक्ट वही करेंगे, सेम लाइनअप के साथ अपनी टॉप 11 प्लेयर्स वही उतारेंगे जो इसके पहले मैच में थी। और टॉप पॉइंट स्कोरर इस मैच पे होंगे वो शिखर धवन, सनराइजर्स की तरफ से शिखर धवन, केन विलियमसन और मुंबई इंडियंस के खिलाफ से हार्दिक पांड्या और मयंक रहेंगे। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मेगा कॉन्टेस्ट में, आपकी वो टीमें कौन सी होंगी। तो ये देखिए मेगा कॉन्टेस्ट जो होगा उनकी एंट्री फीस जो है वो 40 रुपये और टोटल विनिंग अमाउंट जो है इस पर 2 करोड़ रुपये है। तो ये मेगा कॉन्टेक्ट पे आप जरूर एंट्री लें। आइए अब टीम बात करें मेगा कॉन्टेक्ट लिए और छोटी लीग के लिए आपकी वो कौन सी टीमें होंगी। तो आपको क्रिएशन बता दूं, देखिए विकेट कीपर के तौर पे यहाँ पे ईशान को लें, बहुत ही अच्छे ये विकेट कीपर हैं, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छा करते हैं, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन यहाँ से आप रोहित शर्मा, शिखर धवन, केन विलियमसन, एविल रुइस, मनीष पांड्या, सूर्य कुमार यादव, यूसुफ पठान में से किन्हीं 4 बैट्समैन को लो, जो रोहित शर्मा, शिखर धवन, केन विलियमसन और यूसुफ पठान रहेंगे। और ऑलराउंडर की बात करें तो इस पे 3 ऑलराउंडर आपके मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और हैदराबाद से आपको शकीब अल हसन ये आपके रहेंगे। और बॉलर की बात करें तो आप इस पे बॉलर भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, मुस्तफिर मिथल, सिद्धार्थ कौल और मयंक मार्कंडे, इनमें से आप 3 बॉलर पे लें, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और सिद्धार्थ कौल या फिर मयंक, तो ये आपके टॉप 3 बॉलर रहेंगे। आइए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके इस पे मेगा कॉन्टेस्ट के कौन से होंगे। तो मैं इस पे कैप्टन वाइस कैप्टन इस पे बता दूं कि आप कैप्टन इस पे शिखर धवन और वाइस कैप्टन आप कुणाल पांड्या या हार्दिक पांड्या आप रख सकते हैं। तो जहाँ तक बात करें आपके इस पे जो भी टीमें होंगी वो आपकी टीमें बहुत ही अच्छी साबित हो सकती हैं इस मैच पे। तो और यदि आप पे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शिखर धवन को आप रोहित शर्मा
को आप कैप्टन बना सकते हैं और केन विलियमसन को भी आप कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन कुणाल पांड्या को बना सकते हैं या फिर कैप्टन आप शकीब हसन और केन विलियमसन और शिखर धवन को और वाइस कैप्टन तो आप यहाँ से चेंज आप ला सकते हैं और चेंज यहाँ रोहित शर्मा और यहाँ पे कुणाल हार्दिक पांड्या आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप शिखर धवन को रखें ये मेरा कॉन्टेस्ट के लिए और जो छोटी लीग के वो होंगे मैं उस पर प्रीव्यू बता दूं कि आप इस पे यहाँ पे विकेट कीपर है विद्वान शाह और यहाँ पे रोहित शर्मा केन विलियमसन लेविस को आप ले लें वहाँ पे मैंने यूसुफ पठान को लिया था तो आप यहाँ पे सूर्यकुमार यादव को ले लें और यहाँ पे ऑलराउंडर पे कोई चेंज नहीं होंगे हर्ष पांड्या के करुण पांड्या और शकीब हसन और यहाँ पे बॉलर भी चेंज किए हैं मैंने वहाँ पे बुमराह की जगह भुवनेश्वर कुमार रहमान को ले लिया है सिद्धार्थ कौल को लिया है मैंक की जगह तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन आप इस पे कैप्टन आप कुणाल पांड्या वसी और या वाइस कैप्टन शकीब हसन यहाँ पे या फिर आप एलवेस को कैप्टन वाइस कैप्टन आप कुणाल पांड्या या फिर शकीब हसन और यदि बॉलर पे जाना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर कुमार पे भी आप बॉलर पे आप जा सकते हैं तो मेरी ये प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट और वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू।